आज दो दिन हो गए मेरे पति घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो चंद्रायन कहीं था सर, आज क्यों इतना उदास हो तो? इसलिए कि हमारे पति दो दिन हो गए अभी तक घर में नहीं आए। क्या कहा? तुम्हारे पति दो दिन हुआ घर पर नहीं आए? जी हाँ। अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। मतलब देखो, तुम्हारे पति जमींदार के घर बैठाओ मौत कर रहा है। जो तुम्हारा अपराध था वो जमींदार के नाम से कर दिया, वो तो ऐसे रब की जिंदगी बिता रहे और तू यहाँ रो रही है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं मेरे पति। तुम्हें नहीं यकीन है? नहीं, नहीं यकीन है? नहीं। अरे यकीन नहीं है तो खुद मेरे साथ चलो, तुम अपनी आंखों के सामने देखो वो क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। आओ आओ मेरे साथ। अरे तो मारम मर जाओ, आज कह दिया भाई, कह दिया।
हमारी इच्छा नहीं। काम खुशी करना होगा।
तो भी रह जाए, अब आराम करे, ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है, मैं वफादारी के साथ हर काम निभाऊंगा। जैसे बाबू जवान हो, अब जवान से कौन बात निकल गए तो जवान चाट ले को जवान करके फेंक दूंगा, कमीने समझ ले बाद उस कमीने को बाद उस आराम जाने को। मरना और जीना इंसान के हाथ में नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आज मेरी मौत लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन एक चीज याद रहे, तुम्हारी इस करनी का सजा तुम्हें एक ना एक दिन जरूर भोगना होगा। विक्रम सिंह, जिस दिन मेरा बेटा वापस आ गया तो उस दिन सोचना तुम्हारा क्या हश्र होगा। अरे जब तुम जिंदा रहोगे तब ना देखोगे, वो भी मरेगा तू भी मरेगा इसी जगह। आज करूंगा कभी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सिंह, किसके माँ बाप हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम तड़प तड़प के मरोगे। सरकार क्या बोल रहे? सरकार क्या होता है? भाई साहब,
अभी होश में आ जाओ जमीन, ठाकुर के नाम कर दो। क्या है? आपने तो कहा था कि वहां ऐसे आराम कर रहे हैं और आप इन्हें मार मार करके इन्हें कमलवा रहे हैं। चलिए सभी हम चलिए चलते हैं, आपको सुनाते हैं। चौधराइन कहां ले गई से जा रही है? एक काम कर, अपने पति से कह दे कि ये जो तुम्हारी जमीन है जमींदार के नाम कर दे, तभी यहां से जाने पाएगा, न था नहीं जाने पाएगा। ठाकुर साहब, यदि हम गरीब अपनी जमीन जमींदार के नाम कर देंगे तो बताइए हमारे बच्चे हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम समझ रहे तुम्हारी बात को। दरबारी धरा। अबे यार मैं क्या देख रहा हूँ, चौधराइन तो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये चौधराइन कहाँ से दिखाई देगा? तू बोल क्या कहना चाहता है? बताओ किससे मिला, किससे मिला है? जमीन नाम से करेगी जमींदार के नहीं बताओ क्या मारो लपटिया दोनों जने कान देते तू अपने पति को अपने साथ लेकर जाना चाहती है? जी हाँ। एक काम कर, क्या तू मेरी बात मान ले? बोलिए।